नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरव त्रिवेदी, आपका बिजनेस कंसल्टेंट और प्रोडक्टिविटी कोच। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रीज में आने वाली समस्याओं, जो जैसे कि प्रोडक्टिविटी कम होना, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाना, और इसकी वजह से आज इंडस्ट्री ऐसे कगार पर खड़ी है कि जहाँ पे कस्टमर सस्ते से सस्ती चीज़ मांगता रहता है और इंडस्ट्रीज महंगे से महंगे चीज़ ही बना पा रही है, उनकी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि चीज़ों को सस्ता कैसे किया जाए। तो पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कुछ एक प्रॉफिट ड्रेन्स के बारे में जो आपकी इंडस्ट्रीज के प्रॉफिटेबिलिटी को किल कर देता है और जिसकी वजह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी स्केल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 8 तरह के वेस्ट है और ये 8 तरह के वेस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं किल कर देते हैं। पहला जो वेस्ट है वो है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन यानी ज़रूरत से ज़्यादा बनाना। काफ़ी टाइम हमारे पास चेंज ओवर ज़्यादा होते हैं, कस्टमर की डिमांड प्रेडिक्टेड नहीं होती है या टेस्टिंग वगैरह में टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बना लेते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऑर्डर नहीं रहते हैं, तो लोग खाली ना बैठे, मशीन खाली ना रहे, इसकी वजह से भी हम ओवर प्रोडक्शंस करते हैं। तो ये जो पहला लॉस था वो है ओवर प्रोडक्शंस का। दूसरा जो लॉस है वो है ओवर प्रोसेसिंग, एक ही चीज़ बार बार करना। आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में थोड़ा सा झांकिएगा और देखिएगा कि एक ही चीज़ आप बार बार कितनी बार रीवर्क कर रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार कितनी बार प्रोसेस कर रहे हैं, जिसे आमतौर पर रीवर्क कहा जाता है। तो आपको ढेर सारी प्रोडक्ट मिलेगी जिसमें आप रिवर्क करते हो और इसकी वजह से आपका प्रॉफिट ड्रेन होता है और मशीन की एफिशिएंसी नहीं आती है। तीसरी अगर बात करें तो वो है इन्वेंट्री। जो जैसे कि आज इंडस्ट्रीज में देखें तो प्रॉफिट कहाँ है, तो प्रॉफिट दोस्तों कस्टमर के पास रिसीवेबल में है या फिर वो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री में रुका पड़ा है। तो आपके पास जितनी इन्वेंट्री है वो सारी वेस्ट है। इन्वेंट्री आपकी प्रोडक्ट या कंपनी में कभी भी वैल्यू एडिशन नहीं करती है। हालांकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का ऐसा मानना है कि हमारी अगर हम पेड अप इन्वेंट्री रखेंगे, हमारे पास बहुत सारी इन्वेंट्री रखेंगे तो ही हमारा सेल्स बढ़ सकता है। काफ़ी हद तक वो सही भी है। ये केस में आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी रहता है। एक आता है ट्रांसपोर्टेशन। आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कितना होता है, आपका प्लांट लेआउट किस तरह से बने हैं, मटेरियल हैंडलिंग किस तरह से होता है। काफ़ी टाइम ये देखा गया है कि मटेरियल का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। मटेरियल हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा कारीगर भी वहाँ पे यूज़ होते हैं। एक रहता है मोशंस। लोग कितने आपके ऑर्गेनाइजेशंस में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं उसको मोशंस में गिना जा सकता है, या फिर आप जहाँ पे प्रोसेस करते हैं सीएनसी वगैरह के टूल के जो प्रोसेसेस है उसके भी मोशंस को मोशंस में ही काफ़ी टाइम गिना जाता है। ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस में वेस्ट है। जो मैं सातवां वेस्ट कह रहा हूँ वो है डिफेक्ट्स, और ये डिफेक्ट्स है वो बहुत बड़ी है, जिसे हम रिजेक्शंस के नाम से जानते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में 1% 2% रिजेक्शंस आते हैं, तो इंडस्ट्री ऐसे रिजेक्शंस को बहुत ही इजीली लेती है और ऐसा कहती है कि हमारा रिजेक्शंस तो बहुत कम है, लेकिन ये रिजेक्शंस की वजह से काफ़ी टाइम आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाती है, काफ़ी टाइम आपको ओवर प्रोसेसिंग करना पड़ता है, आप काफ़ी टाइम ओवर प्रोडक्शन भी करते हैं। तो सारे फसाद की जड़ कहूँगा तो वो है आपकी डिफेक्ट्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी डिफेक्ट्स कम होगी, रिजेक्शन जितना कम हो जाएगा, उतना आपको ओवर प्रोसेसिंग कम करना पड़ेगा, ओवर प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा और आपके पास इन्वेंट्री रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो एक और लॉस है उसे हम कहते हैं वेटिंग लॉस। वेटिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, वेटिंग फॉर ऑर्डर्स, वेटिंग फॉर एनी इंस्ट्रक्शंस, ऑफिस में भी यह लॉस बहुत ज़्यादा मिलता है। वेटिंग फॉर मोल्ड चेंज ओवर, वेटिंग फॉर रॉ मटेरियल, वेटिंग फॉर एनी अदर रिसोर्सेज, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वेटिंग के लॉसेस मिलेंगे। और जो आठवां लॉस है जिसे कहते हैं नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट या अंडर यूटिलाइज्ड टैलेंट। अगर हम टैलेंट की बात करें तो सही लोगों को सही काम देना ये अपने आप में खूबी है। अगर आप पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे जो हाईली पेड लोग हैं वो बहुत ही लो लेवल की काम कर रहे हैं या लो वैल्यू एक्टिविटी करते रहते हैं, और जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं अगर वो लो वैल्यू एक्टिविटी करेंगे तो उनका जो टैलेंट है वो अंडर यूटिलाइज्ड होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे दोस्तों ज़रूर से बताइएगा आपकी इंडस्ट्रीज में कौन सा लॉस बहुत ज़्यादा है और उसको आप कम करने के लिए हमारे पास क्या सहायता ले सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने कोई लॉस इम्प्रूव किया है वो भी ज़रूर से बताइएगा, जिसकी वजह से बाकी की इंडस्ट्रीज़ को समझ में आया कि वो कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।